चीज की पूजा? मैडम वो उनकी नई फिल्म की पूजा है। रमाकांत को फोन दो, उनको बोलो कि सिल्क का फोन है। सॉरी मैडम, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हेलो, रमाकांत को फोन दो। पर मैडम उनको बोलो सिल्क का फोन है। आपको कुछ नहीं है, उनको बोलो मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है। I'm very sorry मैडम, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो रमाकांत सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है, एक भाई लिखेगा और दूसरा भाई एक्टिंग करेगा। कमाल का दिन है आज तो। सिल्क नाचेगी। नमस्ते। नमस्ते, आप लोग टाइम पे पहुंच गए। विजन। हाँ जी सर। सिल्क इस फिल्म में काम नहीं करेगी, उसके पास जो कुछ था पब्लिक सब देख चुकी है। सर जैसा आप कहें, लेकिन सर पब्लिक को मसाला तो चाहिए होता है। हम ट्रेंड बदल देंगे। सिल्क जो करती थी वो हम हीरोइन से करवाएंगे। वो तो ठीक है सर, लेकिन सर हीरोइन की इमेज का? पब्लिक सामान देखती है, दुकान नहीं। वैसे भी जब शराफत के कपड़े उतरते हैं तो सबसे ज्यादा मजा शरीफों को ही आता है। सही कहा सर आपने। रमाकांत तुम्हें क्या लगता है? सर सिल्क मैडम का फोन है। सिल्क, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारी ही बात चल रही थी। मैं विजयन और सूर्या के साथ हूं, वो तुम्हें अपनी अगली फिल्म में नहीं लेना चाहते, और मुझे भी लगता है कि उनका डिसीजन ठीक है। तुम ये फिल्म नहीं करोगी। हाँ बिल्कुल, फिल्म के मुहूर्त वाले दिन मैं तुम्हें अपने अम्मा और अप्पा से मिलवाना चाहता हूं। हेलो सिल्क मैम, मेरा नाम मुथु है, मैं छोटी मोटी फिल्में बनाता हूँ। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ और ये मेरा कार्ड। घर पे भिजवा दीजिएगा। जी थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी। ग्रेट, वैसे ये सेट बड़ा खूबसूरत है। कंग्रेचुलेशंस। सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। आज कोई बदमाशी मत करना, अम्मा अप्पा आते होंगे कभी भी। अम्मा की छोड़ तेरे अप्पा की उम्र क्या होगी? सिर्फ प्लीज। फिकर मत करो, तुम्हारे फैमिली के मर्दों में मैं हिट हूं। यू नो, मुझे ऐसे जोक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। रमाकांत जरा इधर आना। वन सेकंड। सिल्क मैडम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। थैंक यू। मेरा नाम शकीला है। तो तुम शकीला हो? आपने मेरे बारे में सुना है? पर कुछ गलत सुना है। क्यों, क्या हुआ? घर में आईना है, जाके तोड़ दो। झूठ कहता है कि तुम सिर्फ बन सकती हो। आप गलत हो, मुझ में भी कुछ बात है। मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूं। अच्छा तो फिर चलो। इंसान का जब वक्त अच्छा होता है तब लोगों को उसके फटे कपड़े भी स्टाइलिश लगते हैं, जब टेस्ट बदलता है तब वही लोग
उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं। जाने दो उसे, तुम्हारे लायक नहीं है वो। सिल्क जैसी लड़कियां घर में नहीं सिर्फ बिस्तर में ही रहनी चाहिए। ये क्या किया सिल्क? मैंने तो कहा था सोचने मत, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। बोल डालो जो भी चल रहा अंदर। सिर्फ एक रात खुद पर काबू नहीं रख सकती थी ना? क्या हो जाता एक रात में? तुम्हारे घर वाले सोचते कि मैं अच्छी लड़की हूँ, अब क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे घर वाले? ये कि तुम एक गंदी और घटिया लड़की हो। हाँ तो तुमने ऐसी ही लड़की से प्यार किया है। मैं एक्टिंग पर्दे पर करती हूँ, असलियत में नहीं। मतलब तुम पूरी जिंदगी ऐसी ही रहोगी, गंदी घटिया? जिस वजह से मैं सिर्फ बनी वो वजह कैसे छोड़ दूं? सूर्या ठीक ही कहता था, तुम जैसी लड़कियां घर पर ले जाने के लायक ही नहीं है। हाँ लेकिन बिस्तर पे ले जाने लायक है। दोनों भाइयों के लिए तैयार हो चुका है आज। सिल्क को गंदा और घटिया बोलते हो? देखो कैसे लटकाती हूँ बारी बारी। दिल तोड़ने पे अगर फांसी होती तो ये दुनिया कब की लटक चुकी होती। प्यार और मोहब्बत हमेशा साथ नहीं देते, ये तो दुश्मनी ही है जो दूर तक जाती है। इसलिए ना सिल्क हार मान सकती थी ना मैं। बहुत बड़ा रिस्क लेने की बात कर रही है तू, सोच ले। जब ऊपर वाले ने जिंदगी एक दी है तो दो बार क्या सोचना। सोच ले, जितना कमाया है सब गवा सकती है। जब कमाया था तब कहाँ सोचा था मिलेगा? कमाने के लिए बहुत सारी फिल्में चाहिए, गवाने के लिए एक ही काफी है। तेरी मेहनत का पैसा है इसलिए बोल रहा हूँ। तुझे बढ़ते हुए देखा है, गिरते हुए नहीं देख सकता। सिल्क को अपने कीड़ा दास पर पूरा भरोसा है। मुझे तेरा ये ट्रिपल रोल वाला आइडिया बहुत पसंद आया, एक माँ दो बेटियां। मैं भी वही सोच रही थी। जब लोग एक सिल्क को देखते थे तो जीप बाहर आ जाती थी, अब तीन तीन सिल्क को साथ में देखेंगे तो लुंगी ढीली हो जाएगी।
अब्राहम याद है? क्यों, क्या हुआ, मर गया क्या? नहीं, जिंदा है। वो भी ऐसी ही ट्रिपल रोल वाली एक फिल्म बना रहा है, खुद को हीरो लेकर। रमाकांत लिख रहा है। कीरा दास, पता है सिल्क सबसे महंगा क्यों है? क्योंकि उसकी किस्मत में चमकना लिखा है। बनाने दो उसे भी, हम भी देख लेंगे और पब्लिक भी। नफरत करने का वक्त खत्म हो गया था, अब सिल्क को मिटाने का वक्त था। मेरा ढांसू आइडिया कॉपी करके मुझसे ही कंपटीशन बुझ लगा दूंगा।